ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लायमेंट में लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज आ गई हैं जिस पर पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एजुकेशन मिडिल मैट्रिक इंटरमीडिएट या फिर बैचलर है तो दोस्तों वीडियो मुकम्मल देखनी है चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं लेटेस्ट जब अपडेट रोज़ाना की बुनियाद पर देता रहता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि असिस्टेंट पंद्रवें स्केल की एक आसामी आई हुई है आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब की एक आसामी आई हुई है यहाँ पर पंजाब से भी मीना टी कोटा है तो अठारह से अठाईस साल ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं स्टैनोटैपिस्ट एक असामी इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं पंजाब जनरल कोटे पर यह असामी है इसके बाद डाटा इंट्री ऑपरेटर की तीन असामियाँ हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर चौथवा इसका स्केल बैचलर यानी कि या फिर बराबर तालीम या फिर ये वाले सब्जेक्ट्स हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पंजाब की एक असामी सिंध की और के पी के की एक एक असामी है यू डी सी की एक असामी है इंटरमीडिएट पास हो पंजाब को दी गई है आगे एल डी सी की एक असामी ये भी पंजाब को दी गई है मैट्रिक पास हो टाइपिंग स्पीड भी हो दोस्तों छठे नंबर पर की असामियाँ टोटल असामियाँ है, पाँच हैं अच्छा ये जो पाँच असामियाँ इसमें आई सी टी की एक आब्टाबाद की एक एप्टाद की दो सखर की यहाँ पर दो असामियाँ इसके बाद स्वीपर की तीन असामियाँ स्वीपर का जो है ना पहला स्केल है प्राइमरी पास सियालकोट को दी गई है एप्टाबाद को दी गई है सखर को दी गई है इसके बाद चौकीदार की दो असामियाँ चौकीदार की ये जो दो असामिया प्राइमरी पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं ऐप्टाबाद और सखर रीजन को ये सीटें दी गई हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग ने इस वेबसाइट पर, तो वेब पर जाना है हाउ टू अप्लाई आप लोग देख लें आप लोग इस वेबसाइट पर जाना है ऑनलाइन आप लोग ने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो सबमिट करना है इस पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख तीस मार्च दो है मज़ीद आप लोग एक से ज़्यादा समय पर अप्लाई कर सकते हो जो अप्लाई करना चाहते हैं वो इसी वेबसाइट पर जाएंगे मजीद एडवर्टाइजमेंट मैंने नीचे लिंक में दे दिए जो अप्लाई करना चाहते हैं नीचे लिंक में एडवर्टाइजमेंट पर चले जाएं मिलते हैं एक और जॉब अपडेट में तब तक के लिए अल्लाह नगबान